सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, अभी आ रहा है? हेलो, हाँ अभी ओके। तो इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ मर्जिंग कर लिया, उनके बैंकिंग पार्टनर बन गए टू प्रोवाइड लोन्स। ओके, ये पहला न्यूज है, लिख लो। ओके, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। बैंकिंग बैंकिंग के बाद क्या है? नहीं के बाद फर्स्ट है ये, फर्स्ट खाली नहीं बीकॉम बैंकिंग। पार्टनर। वासुदेवन है एमडी और सीईओ इक्विटी स्मॉल फाइनेंस। ये छोटा बैंक, छोटा फाइनेंस कंपनी से लोन प्रोवाइड करता है, जैसे मुथूट फाइनेंस हो जाता है। सेवन के किसके बाद क्या लिखा है? हाँ बाद? ये एमडी लिखा है क्या? अच्छा एमडी एंड सीईओ। ओके, बोलते जाओ। ओके, इसने एचडीएफसी बैंक के साथ भी पार्टनरशिप किया है क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। तो क्रेडिट कार्ड्स मतलब आधा इसका होगा, आधा एचडीएफसी का होगा। 50-50। हाँ, मतलब ये दोनों मिलके एक नया क्रेडिट का वो आपको ये देंगे ना, ये दोनों मिलके समझो इक्विटास तेरे को 50% देगा और एचडीएफसी तेरे को 50% देगा। कस्टमर को 100% पूरा मिलेगा, लेकिन पैसा ये दोनों आधा आधा देंगे। ओके, हो गया है सबका लिख के। अच्छा नंबर टू, सर वो फर्स्ट लेटर क्या लिखा है? एडलवेस एडलवेस कंपनी का नाम है। EDLWIES से क्या? हाँ, EDLEWEISS, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है
इसने फोन पे के साथ पार्टनरशिप किया है डिजिटल मोटर इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए। ओके आप ऑनलाइन इंश्योरेंस ले सकते हो डायरेक्टली, आपको एडलवाइस कंपनी से मिलेगा और आपका प्रीमियम वगैरह फोन पे से भरोगे। वो फोन पे लिखा है? हाँ फोन पे, फोन पे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 4.93% एक्वायर किया है इंडियन गैस एक्सचेंज का, इतना स्टॉक उन्होंने खरीद लिया। ऊपर वाला हो गया लिख के, सर वो बीन के बाद कैटेगराइज लिखा है क्या? हाँ कैटेगराइज टू पब्लिक कैटेगरी शेयर होल्डर। ओके तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को पब्लिक कंपनी बना दिया है फ्रॉम प्रमोटर कंपनी। ओके इसकी एक और खास बात है, ये कंपनी के पास 0.17% है एक्सिस बैंक का। ओके 0.17 ये नीचे वाला हो गया इंडियन ऑयल वाला। क्या क्या 0.17 इतना परसेंट का ओनर है वो एक्सिस बैंक का, इतना टका उसके पास है। नहीं उतना खरीदा है उसने, उतना खरीदा हुआ है।
विप्रो ने एक एग्रीमेंट साइन किया, एजाइल करके एक कंपनी है, साइबर सिक्योरिटी की होती है, उसको खरीद लिया 230 मिलियन यूएसडी डॉलर के लिए। कंसल्टिंग कंसल्टिंग प्रोवाइडर, हो गया ऊपर का ओरिएंटल बैंक वाला। तो आगरा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज ज्यादा करने के लिए एक इंडियन यूरोपियन इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 250 मिलियन यूरो का लोन दिया है मेट्रो रेल प्रोजेक्ट चालू करने के लिए। सर वो फर्स्ट के बाद क्या लिखा है? लोन इसके बाद ट्रांशी से पहले ब्रांच 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 TRANCHE का नेम है क्या? ट्रांची का मतलब ब्रांच होता है, ट्रिब्यूटरी। और वो 230 मिलियन है कि 250 है? 250 नहीं, अपने इधर का मेट्रो रिलायंस ने बनाया है, ओके, गवर्नमेंट से भाड़े पे लिया। हाँ, होता तो गवर्नमेंट का ही है ना, लैंड तो गवर्नमेंट का है, बनाने का सिर्फ टेन्योर होता है, ओके, बना के यूज करने का, उसके बाद में फिर उसका ऑप्शन होएगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी पहले रिलायंस की थी, अभी अडानी की हो गई, उससे पहले टाटा की थी, उससे पहले बीएमसी की थी ना, हर एक लिमिटेड टाइम होता है, टेंडर निकलता है, फिर उसके बाद में जो टेंडर जीतता है वो उसको संभालता है, प्राइवेटाइज होता है ना, जैसे आईपीएल हो गया, पहले वीवो का था, अभी टेंडर टाटा ने जीता तो टाटा का हो गया, टाटा आईपीएल हो गया, उससे पहले डीएलएफ था, उससे पहले डेक्कन था, ऐसा होता। ओके, अगला
पेटीएम पेमेंट बैंक ने मनीग्राम के साथ एक डील साइन की है कि मनीग्राम के कस्टमर एक ग्लोबली किधर भी पैसा भेज सकते हैं रियल टाइम, मतलब ऑन द टाइम, मतलब अभी भेजा तो 2 मिनट के अंदर पैसा पहुंच गया, ओके, टू अ पेटीएम वॉलेट यूजर इन इंडिया। डायरेक्टली बैंक में नहीं जाएगा, पेटीएम के वॉलेट में पैसा जाएगा, अपने बैंक के खाते में नहीं जाएगा, ओके। हाँ, अपने इधर का मेट्रो रिलायंस के पास। रिलायंस को उसने एक ही बार का लीज भर दिया, भाड़ा भर दिया, कुछ टैक्स दिख कुछ नहीं, एक ही बार का भरना होता है, भर दिया। नहीं, इसके लिए 30 रुपए टिकट है, मेट्रो का 30 रुपए वन वे। हो गया ऊपर वाला बूस्ट वाला। ग्लोबली ग्लोबली हाँ, तो राइट, तुम राइट कर देना ना, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, थोड़ा दिमाग लगाने का। माइनॉरिटी स्टेक एसबीआई ने माइनॉरिटी ऑफ स्टेक खरीदा है जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड कंपनी का 100 करोड़ रुपए में, ओके। कितना खरीदा ये नहीं, माइनॉरिटी खरीदा है, कितना एक्चुअली एक्वायर किया उतना बताया नहीं उसने, डिक्लोज नहीं किया। माइनॉरिटी क्या बोला सर आपने, स्टेक स्टेक STAKE ओके, जेएसडब्ल्यू सीमेंट की कंपनी, ओके, उसका एक माइनर, हाँ, हर कंपनी अगर रजिस्टर्ड है तो स्टॉक लिस्टेड होती है, करना ही पड़ता है। हंड्रेड इंक इंक किधर है, इंक है वो 100 करोड़ रुपीस।
मास्टर कार्ड और गूगल ने पार्टनरशिप कर दिया है, टोकनाइजेशन किया है कि जीपे के जो यूजर है वो लोग का जो ट्रांजेक्शन होगा मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से वो एकदम सिक्योरली होगा। हाँ गूगल पे जीपे क्या अनाउंस द रोल आउट हो गया। लिख क्यों नहीं रहे, कभी पढ़ेगा फिर। हो गया ये तो थोड़ा बड़ा लिखो ना। दिख रहा है? हाँ एक जन जाके इंक लेके आओ ना, या और मार्कर लेके आओ ब्लैक कलर के, मैम को वो इसमें भर देना। हाँ अवेयरनेस कैंपेन ओके। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने एक अवेयरनेस लॉन्च किया टैक्स सेविंग पे, बहाने छोड़ो टैक्स भरो। हो गया दो कॉलम बनेगा अभी, इसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स लिखेंगे। ओके बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर क्वेश्चन आता ही है पेपर में, ईएसआईसी हो, आरबीआई हो, आईबीपीएस हो, एसएससी हो। सब एग्जाम। हाँ लिखो लिखो। हाँ वो लिख रहा है ना बेचारा, इंक भरने लगा।
नहीं वो SSC में, अरे इजी पेपर आता है ESIC का, आप लोग बहुत टेंशन ले रहे हो। करंट अफेयर्स करके जाओ एकदम अच्छे से, और थोड़ा स्टैटिक करके जाओ, हो जाएगा। हो गया वो लिख रहा है ना, तू क्या हाँ कर रहा है लिख भी नहीं रहा, सब पढ़ लिया, याद हो गया देख के ही बस। हाँ आज करंट अफेयर कराता हूँ, अगले वीक टेस्ट रखवा दूंगा। अगले वीक नहीं है, 19 को है। हाँ तो आने के बाद करंट अफेयर का एग्जाम देना। हो गया, चलो दो कॉलम बनाया सब लोग ने, बुक्स एंड ऑथर्स। ओके ममता बियॉन्ड 2021 करके एक बुक आई थी जनवरी में, और इसके ऑथर है जयंता घोसल। हाँ ममता बनर्जी के ऊपर थी। गांधी असासिन धीरेन्द्र के झा। ओके ये बुक आई थी गांधी जी के असासिन नथुराम गोडसे के ऊपर थी, उनके हिसाब से इंडिया कैसा होना चाहिए था उसके ऊपर ये बुक थी, और इसके राइटर है धीरेन्द्र के झा। हाँ ओके रतन टाटा, रतन एंड टाटा के ऊपर एक बुक आई थी, उनकी ऑटोबायोग्राफी थी, लिखी थी डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। यार अभी जनवरी का करंट अफेयर कर रहे हैं अपन। हाँ आठ बुक लॉन्च हुई, आठ फेमस लॉन्च हुई, बहुत होती है। डॉक्टर थॉमस मैथ्यू डे नहीं पूछते। नहीं इतना करंट अफेयर पढ़ता हूँ ये काम पे पढ़ू। अनटोल्ड है क्या?
हाँ अनटोल्ड है। ओके बोस द अनटोल्ड स्टोरी चंद्रचूर घोष। ओके इसके ऊपर वेब सीरीज भी आई थी बोस, सोनी लिव पे आया था। सर वो चंद सी एच ए एन डी आर सी एच ओ आर है क्या? सी एच यू आर चंद्रचूर। वैसे भी इम्पोर्टेंट ही करा रहा हूँ, बुक बहुत सारी लॉन्च होती है, अपन सिर्फ इम्पोर्टेंट ही करेंगे जो पूछा जा सकता है। लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। ओके ये एक पंजाबी है और लोअर कास्ट का रहता है और उसने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है, तो उसके ऊपर बुक है टूविन ए सिन्हा ने लिखी है। ओके छोटी जात का पंजाबी था। हाँ A Little Book of India, Ruskin Bond. Fearless Governance, Kiran Bedi. बहुत सारे मॉक्स में ये क्वेश्चन था, फियरलेस गवर्नेंस, ये सही चीज थी। फर्स्ट फीमेल आईएएस हो गया। इसके बाद में करेंगे अवार्ड्स, फिर दो कॉलम बनाएंगे। सर एट बुक्स था ना, है तो सेवन हुआ ना क्या? हाँ मतलब वो काम का नहीं था इसके लिए नहीं लिखवाया, टोटल आठ बुक लॉन्च हुई है। ओके अवार्ड्स गोल्डन ग्लोब। गोल्डन ग्लोब अवार्ड ओके दो कॉलम बनेगा, कैटेगरी और विनर। क्या? हाँ दो कॉलम। बोलो वो जनवरी के लिए उतना ही पढ़ने का, फिर जब फेब का करंट अफेयर करेंगे तो अलग, दिसंबर का करेंगे तो अलग। मस्त क्वेश्चन पूछा। ओके सबसे पहला बेस्ट फिल्म ड्रामा। The Power of Dog, best film. नहीं 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 सर ये कैटेगरी विनर, इसके कॉलम्स अलग अलग करने हैं ना? हाँ अलग अलग। तो ये ग्लोबल गोल्डन ग्लोबल अवार्ड ये क्या है फिर? ये अवार्ड होते हैं अमेरिका में पूरे वर्ल्ड के लिए, उसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड बोलते हैं, जैसे ऑस्कर होता है वैसे गोल्डन ग्लोब होता है।
ये बारे का बेस्ट फिल्म का कैटेगरी ड्रामा में था, विनर पावर ऑफ द डॉग। हाँ मस्त पिक्चर है, सारी इंग्लिश पिक्चर देखी मैंने। सर ये बेस्ट फिल्म ड्रामा है, ये कैटेगरी है क्या? हाँ वो कैटेगरी है, बेस्ट फिल्म ड्रामा कैटेगरी है, और उसका विनर है पावर ऑफ डॉग। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी, उसका विनर है वेस्ट साइड स्टोरी। बेस्ट एक्टर ड्रामा विल स्मिथ रिचर्डसन। ओके चाहिए तो फिल्म का नाम लिख दो। किंग रिचर्ड। सर हाँ रुको, और बाकी है? अरे ये पावर ऑफ डॉग वाला बाकी है, हाँ बाकी है। बाकी है, लिखो लिखो क्या। किंग रिचर्ड, रिचर्ड ये लास्ट में भी ड्रामा लिखा है क्या? हाँ ड्रामा, ये मूवी अच्छा रहेगा। क्यों? अरे ड्रामा मतलब कॉमेडी नहीं, कॉमेडी नहीं तो अच्छा रहता। कॉमेडी डन। तो ड्रामा मूवी कॉमेडी नहीं होती। अच्छा हाँ स्टोरी बड़ी अच्छी है, ट्रू स्टोरी है किंग रिचर्ड के ऊपर सर क्या। हाँ ये विनर है, कैटेगरी है विनर है। हाँ जो जीता उसका नाम लिखे अपन। आज जाके चांदनी देखना, बड़ी अच्छी पिक्चर है। ओके बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा निकोल किडमैन बीइंग द रिकार्डोस। RICARDOS। हाँ ओके बेस्ट एक्टर कॉमेडी और म्यूजिकल एंड्रयू गारफील्ड टिक टिक बूम। ओके एंड्रयू गारफील्ड स्पाइडरमैन भी था। और ये बड़ी अच्छी पिक्चर है, पियोनिस्ट के ऊपर ये पिक्चर। Gracias.
ओके, बेस्ट एक्ट्रेस कॉमेडी और म्यूजिकल रेशियल जेगलर वेस्ट साइड स्टोरी. कौन थी? टिक टिक बूम बीइंग द रिकॉर्ड. क्या जेगलर? ZEGLER है ना? हाँ. बेस्ट डायरेक्टर जेन कैंपियन पावर ऑफ डॉग. बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नो टाइम टू डाई बिली आइलिश. सर वो क्या लिखा है? EIELL. आइलिश, बिली आइलिश सिंगर है, सरनेम है उनका. ओके, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म एनकांतो. बेस्ट नॉन इंग्लिश मूवी ड्राइव माय कार जापान. जापानीज मूवी है. ओके, अभी मैं थोड़ा बोलता हूँ, आप लोग लिखते जाना. सर साइड प्लीज. ओके, गोल्डन ग्लोब खत्म हुआ. एक लाइन डालो लेकिन कैटेगरी और विनर वैसे ही रहने दो. गोल्डन ग्लोब खत्म हो गया, दूसरे जो बाकी मिसेलेनियस अवार्ड्स है वो देखते हैं. ओके, तो सबसे पहला विनर हर्षाली मल्होत्रा. हर्षाली मल्होत्रा भारत रत्न अवार्ड. मल्होत्रा उसके नीचे जो बनी थी. हाँ, एक लाइन डाल दो उसके नीचे. गोल्डन ग्लोब खत्म हो गया है लेकिन कॉलम वैसे ही चलने दो. ओके, तो विनर में देखो हर्षाली मल्होत्रा, और उसका जो कैटेगरी है वो है भारत रत्न. ओके, 12th भारत रत्न अवार्ड हुआ था क्या? हर्षाली मल्होत्रा उनका नाम है विनर, और कैटेगरी है भारत रत्न. ओके, उनको दादा साहेब फाल्के भी मिला साथ में. हाँ, ओके, विनर
सुष्मिता सेन, आर्या टू, विनर सुष्मिता सेन, आर्या टू, कैटेगरी बता दो। ओके, कैटेगरी है इंटरनेशनल एसोसिएशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड। तो इंटरनेशनल अवार्ड मिला इनको, इनका जो वेब सीरीज आया था आर्या टू करके, उसके लिए। रतन टाटा विनर, रतन टाटा। कैटेगरी आसाम भाई भाव, आसाम भाई भाव, ब्रैकेट में लिखो हाईएस्ट सिविलियन ऑफ आसाम, भाई नाम आसाम भी भाई भाव, भाव बी एच ए वी, हाँ बराबर, हाईएस्ट सिविलियन ऑफ आसाम के बाद ब्रैकेट में लिखना है हाईएस्ट सिविलियन ऑफ आसाम, विनर दानिश सिद्दीकी, पता है ना टिकटॉकर, विनर दानिश सिद्दीकी। कैटेगरी रेड इंक जर्नलिस्ट, रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020। ओके, और ब्रैकेट में लिखना है पोस्थोमसली या फिर आफ्टर डेथ, उनके मरने के बाद उनको अवार्ड मिला आफ्टर डेथ। ओके, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है पोस्थोमसली। टिकटॉकर ही था, टिकटॉक बहुत बनाता था टिकटॉक के लिए। अच्छा, तो गलत हो गया रहेगा, फोटो जर्नलिस्ट था। ओके, विनर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कैटेगरी थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड, क्या मीटिंग बंद हो गई? हेलो हेलो, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, आवाज आ रही है। हाँ एक मिनट, अरे स्क्रीन को जूम करना, छोटा हो गया। हाँ, थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड, हाँ यूपी को मिला है थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड। ओके, यहाँ पे आपका अवार्ड खत्म होता है सर। क्या नेशनल? थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड। ओके, इंडिया में सबसे थर्ड नंबर पे उसका अच्छा पानी था। अभी अगला कैटेगरी नेशनल न्यूज, सबसे पहला न्यूज एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर। कैटेगरी नहीं है, अभी न्यूज लिखना है। अवार्ड खत्म हो गए, नेशनल न्यूज चालू हो गया ना, हेडिंग है और उसके अंदर विनर विनर नहीं है, जो भी अपने नेशनल का सारा न्यूज हुआ है वो सारा निकलेंगे। ओके, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्चेस पढ़े भारत, पढ़े 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 धर्मेंद्र क्या? हाँ धर्मेंद्र प्रधान, प्रधान लॉन्चेस पढ़े भारत 100 डेज,
100 days रीडिंग कैंपेन। सर ये सब किसमें लिखना है, कैटेगरी के विनर में? नहीं नहीं नेशनल न्यूज करके नया हेडिंग डालना है, जैसे अवार्ड डाला था ना वैसे एक नया हेडिंग हाँ डालना है नेशनल न्यूज करके। ओके, लॉन्चेस बड़े भारत, पढ़े भारत 100 days रीडिंग कैंपेन फ्रॉम जनवरी 1। सर स्लो स्लो बोलो ना। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान लॉन्चेस पढ़े भारत 100 days रीडिंग कैंपेन फ्रॉम जनवरी 1 टू अप्रैल 10। ओके, 1 जनवरी से लेके अप्रैल 10 तारीख तक पूरे 100 दिन। चैंपियन चैंपियन नहीं कैंपेन। सर यहाँ पे आवाज भी ब्रेक हो रहा है आपका। अच्छा लिखता हूँ मैं, लिखता हूँ, रुको ये वाला लिख लो, इसके बाद लिखता हूँ। चैंपियन क्या बात, क्या बोला आपने रीडिंग के बाद? रीडिंग कैंपेन फ्रॉम जनवरी 1 टू अप्रैल 10। ओके, मोदी जी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पहला पत्थर डाला मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। मेरठ डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आएगा? यूपी। ओके, वर्चुअली एक सेकेंड कैंपस चालू किया चित्रंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट इन कोलकाता। हाँ सेकेंड सेकेंड ओके।
पुद्दुचेरी टू होस्ट 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल इन 2022। पॉन्डिचेरी का हो गया ऊपर वाला। छब्बीस दिसंबर को मनाएंगे बाल वील वीर बाल दिवस। ओके मोदी जी ने बोला। हाँ ओके अगला एक और न्यूज था वो इसके अंदर ही ऐड कर देना। पीएम टू इनॉग्रेट स्पोर्ट्स नया टॉपिक। फिर दो कॉलम बनेगा। हाँ स्पोर्ट्स ओके नया टॉपिक है स्पोर्ट्स। दो कॉलम बनेगा। क्या हुआ था बताओ। जब मुगल लोग इंडिया में आए थे ना तो गुरु गोविंद के बच्चे लोग उसके खिलाफ खड़े हुए थे तो उनके चारों बच्चों को मार दिया गया था। और सिख में इसके लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है। अपना ब्रेवरी दिखाते हैं स्वॉर्ड फाइटिंग वगैरह करके दिखाते हैं। इसके लिए उसको बालवीर दिवस मनाते हैं। ठीक है मैं बताने वाला था लेक्चर खत्म होने के पहले। एक साथ सर ये जूम आउट करो ना। जूम आउट कर दूं बहुत दूर छोटा छोटा दिख रहा है अभी। हाँ आप दिख रहे हैं। तो सबसे पहले करेंगे फीफा। स्पोर्ट्स के अंदर सबसे पहला कैटेगरी है फीफा। रशिया में था कैंसिल हो गया। मेरे को लगा था रशिया में क्योंकि अच्छा ओके। तो ये पिछले साल का ये साल का नहीं है 2021 का है। ओके दो कॉलम बनेंगे कैटेगरी और विनर आप लोग बना दो।
इतना छोटा लिखा है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है वो सही से। रॉबर्ट क्या नहीं दिख रहा है बताइए, मैं आपको बताऊं तो के बाद वो लेवेंडुस्की, उसका नाम है LEWANDOWSKI, लेवेंडुस्की, NDOWSKI, लेवेंडोस्की। ओके, उसके नीचे है बायरन हाँ म्यूनिच और पोलैंड। MUNICH है क्या? MUNICH, फिर पोलैंड लिखा है। हाँ ओके। तो बेस्ट प्लेयर रॉबर्ट लेवेंडोस्की खेलते हैं ये बायरन म्यूनिच क्लब के लिए, और इनकी कंट्री है पोलैंड। बेस्ट प्लेयर फीमेल एलेक्सिया पुतेलास, ये खेलती है बार्सिलोना और इनकी कंट्री भी है स्पेन। ओके, बेस्ट गोलकीपर मेल एडवर्ड मेंडी, खेलता है ये चेल्सी क्लब के लिए। सिंगाल सिंगाल लिखने की जरूरत नहीं, उसको कोई पूछेगा नहीं आपको। CHELSA हाँ ओके, बेस्ट गोलकीपर फीमेल क्रिस्टियन एंडलर, ये खेलती है PSG, इसका फुल फॉर्म है पैरेंट सेंट जर्मन, पेरिस सेंट जर्मन, और इनकी कंट्री है लियोन चिली। अब इसके बाद दो है, मैं बोलता हूं लिखो। मोस्ट कैटेगरी में मोस्ट गोल्स, मोस्ट मोस्ट गोल्स एज फीमेल, हाँ एज फीमेल, फीमेल मोस्ट गोल एज फीमेल, क्रिस्टीन, क्रिस्टीन टाइमिंग सिंक्लेयर, बोलो ना। CHRISTIN E, क्रिस्टेन सिंक्लेयर, SINCLAIR। ओके, और लास्ट कैटेगरी मोस्ट गोल मेल, मोस्ट गोल मेल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लिख देता इधर इसकी स्पेलिंग में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, इन्होंने सबसे ज्यादा गोल मारा है
ओके, सेकंड नंबर पे है सुनील छेत्री, थर्ड नंबर पे है लियोन मेसी। ये हो गया आपका फुटबॉल, अभी अपन जाएंगे क्रिकेट ना, वर्ल्ड कप भी हो गया था, क्या करें दिसंबर में। हाँ, सुनील छेत्री सेकंड, सेकंड मोस्ट गोल, छेत्री छेत्री सुनील छेत्री, सुनील शेट्टी नहीं, सुनील शेट्टी का बच्चा तो अभी पिक्चर में आया। ओके, फीफा हो गया, अभी आईसीसी। आईसीसी बेस्ट फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मानधना इंडिया। बेस्ट मेल क्रिकेटर शाहीन अफरीदी पाकिस्तान। अंपायर ऑफ द ईयर मारिस एमरस। एम्पायर न्यूट्रल होता, कहीं का नहीं होता। साउथ अफ्रीका, हाँ एमयूएस है। ओके, लेकिन याद रखना एम्पायर न्यूट्रल होता है, किसी के साइड का नहीं होता। क्रिकेट क्रिकेट है पूरा। कितना किधर पीछे हो, पीछे आप भी देखो किसी से। ओके, T20 फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर टैमी बियोमोंट इंग्लैंड से है। हाँ टैमी, टी ए मेंबर। और मेल में है मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के। फटफट लिखो फटफट। हो गया, हो गया ये। ओडीआई क्या होता है? वन डे क्रिकेट, एक ही दिन का मैच होता है। T20 होता है 20 ओवर का,
टेस्ट मैच को ओरिजिनल क्रिकेट बोलते हैं, जो सबसे पहले चालू हुआ था 5 दिन का, उसको फिर 4 डेज कर दिया गया, 5 डेज चलता। ओके, वो सबसे पहला क्रिकेट का फॉर्म था ना, लगान पिक्चर भी टेस्ट मैच ही था, 4 दिन चल रहा था। वो टाइम नहीं, लिमिटेड ओवर नहीं था वो, चेस के लिए लिमिटेड ओवर हो जाता है। फिफ्थ डे में खत्म हो जाना चाहिए मैच कैसे भी करके। क्या इंग्लैंड, इंग्लैंड हो गया। ओके, ओडीआई फीमेल क्रिकेटर लिजेल ली, और ये है साउथ अफ्रीका की, और मेल में है बाबर आजम, ये है पाकिस्तान के, और टेस्ट जो रूट, क्योंकि इन्होंने लास्ट टेस्ट मैच में इंडिया को धोपट दिया था। ओके, वो रीजन था अपन टेस्ट मैच भी हार गए, टेस्ट चैंपियनशिप भी हार गए, यही था, जो रूट ही था, लास्ट मैच था इंडिया इंडिया इंग्लैंड टेस्ट। नहीं, जो लास्ट ईयर हुआ ना, करंट ईयर का नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं उधर फाइनल हुआ ना, जो डिले हो गया था कोविड के वजह से। हाँ, तो लेकिन जो रूट ने इंडिया के सामने ही मारा था, और तब इंडिया बाहर हो गया था, टॉप 3 थे ना टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। हाँ, और अपन उससे हार गए। हाँ, क्योंकि अगर अपन इंग्लैंड से जीते होते तो अपन आगे रहते थे पॉइंट्स में, भले अपन फाइनल हार जाते थे तो भी पॉइंट से ऊपर रहते थे। ओके, क्रिकेट खत्म, अभी आएंगे टेनिस। सेम दो कैटेगरी चलते रहनी चाहिए, इसमें 3 कैटेगरी बनेगी, मतलब 3 कॉलम बनेंगे। क्यों इसमें 3 कॉलम बनेंगे? क्योंकि फाइनल में 2 लोग एक साथ खेलते हैं ना, एक को रनर अप बोलते हैं, एक को विनर बोलते हैं। ओके, ओके, मेन सिंगल राफेल नडाल और डैनियल मेदवेदेव। डैनियल के नीचे क्या लिखा है सर? मेदवेदेव, MEDV। MEDVEDEV। Gracias.
ओके वुमेन सिंगर एशली बार्टी और डैनियल कॉलिंस. अभी क्या, अभी उनको जाके अपन मीना नाम बोलेंगे तो उनको भी बड़ा वैसा लगेगा ना. ना सानिया मिर्जा, उनको भी कितना ऑकवर्ड लग रहा था ना, पढ़ाई करूंगी वैसे अपने को भी लग रहा है. बार्टी पार्टी नहीं, पार्टी जब तू पास हो जाएगी ये सही सी तब देना. ओके मेंस मेंस प्री नहीं मेंस हाँ. अरे हो गया ना, ये ऐसा स्पोर्ट है कि एक कोर्ट पे चार लोग खेल सकते हैं डबल्स. ओके ऐसा किया है ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ, ये तो समझो कि चार लोग आ गए. ओके ये एक नाम है, ये एक नाम है. मैथ्यू एब्डेन और मैक्स पुर्सेल. सर वो KUR GIOS लिखा है ना? GIOS हाँ. हो गया वुमेन्स डबल बारबोरा क्रुशोकोवा और कैटरीना सिनकोवा, रनर अप एना डैनियलिया और बीट्रिस हदाद मई. ओके अवार्ड खत्म. अवार्ड सर वो हदाद के पास क्या लिखा है? MAIA मिया. मिया मिया तो खाली MAI हो जाएगा, ये मिया आ है. ओके ए एक्स्ट्रा पानी पानी लाया कोई और?
थैंक यू थैंक यू हो गया। इसके बाद में नया टॉपिक ऑब्यूटरी, ध्यान तो गया ना लोगों का, उनके बारे में भी जानना पड़ेगा। तो मैं अभी डिक्टेट करूंगा, लिखो। बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर विजय गलानी पास्ड अवे। सर नाम फिर से बोलो। विजय गलानी पास अवे। ऑस्कर एंड ग्रैमी विनिंग अमेरिकन लिरिसिस्ट, मतलब लेखक, गाना लिखने वाला, लिरिसिस्ट एंड सॉन्ग राइटर। लिरिसिस्ट की स्पेलिंग LYRICIRIST LYRICIST राइटर एंड सॉन्ग राइटर। मैरिलिन MARILYN मैरिलिन American lyricist and songwriter. Marilyn 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 Bergman, 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 passes away. ये भी मर गए, बड़े अच्छे लेखक थे, ऑस्कर भी मिला था, ग्रैमी अवार्ड भी मिला था। पंडित बिरजू महाराज इज नो मोर। अच्छा क्या पंडित बिरजू महाराज is no more. Baba Iqbal Singh Ji. Baba Iqbal Singh Ji. Bracket में educationist या फिर teacher भी लिखो। बाबा इकबाल सिंह जी पास्ड अवे। फॉर्मर एजुकेशनिस्ट क्या होता है, टीचर जो ज्ञान देता है, पास्ड अवे। फॉर्मर Indian hockey team Captain Charanjit Singh passed away. Last, India's oldest sloth
SLOTH स्लॉथ बेर क्या इंडिया ओल्डेस्ट स्लॉथ बेर SLOTH स्लॉथ बेर एपोस्ट्रॉफी में उसका नाम लिखना है गुलाबो गुलाबो पास्ड अवे एट 40 40 साल की उम्र में मर गया वो बेर इंडिया का सबसे बूढ़ा बेर था ओके उसका नाम गुलाबो था बेर बेर भालू श्लॉथ भालू सर आप पंडित वाला बोला ना उससे पहले पहले क्या नाम बोला पंडित पंडित के पहले कौन सा वाला नाम बोला था मैरियल मैरलिन बेग्रम बोगमैन मैरलिन बोगमैन ओके अभी फिर से दो कॉलम बनेगा लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डेज हाँ दो कॉलम हेडर है लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डेज जनवरी 9 हाँ क्या डे डे डेट और डे तारीख लिखेंगे और वो दिन को क्या मनाते वो लिखेंगे ओके 9 जनवरी NRI डे और इसको और एक चीज बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस उसी दिन का दूसरा नाम है प्रवासी भारतीय दिवस ना कभी हिंदी में लिख के आएगा तो बोलोगे सर ने बताया ही नहीं था प्रवासी भारतीय दिवस ओके 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे जनवरी 10 वर्ल्ड हिंदी डे जनवरी 12 नेशनल यूथ डे भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस ओके जनवरी 10 वर्ल्ड हिंदी डे जनवरी 12 नेशनल यूथ डे जनवरी 14 आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे ओके आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे जनवरी वेटरन 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 जनवरी 15 इंडियन आर्मी डे जनवरी 24 नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जनवरी 24 को एक और है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जनवरी 24 इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जनवरी 25 नेशनल टूरिज्म डे नेशनल टूरिज्म डे एक और चीज है जनवरी 25 को नेशनल वोटर्स डे जनवरी 26 रिपब्लिक डे एक और चीज है जनवरी 26 को इंटरनेशनल कस्टम्स डे इंटरनेशनल कस्टम्स डे जनवरी 30 और ब्रैकेट में लिखना है लास्ट संडे ऑफ जनवरी ओके ये स्विच होएगा अगले साल इंटरनेशनल कस्टम डे के पहले क्या बोला रिपब्लिक डे हाँ ओके जनवरी 30 ब्रैकेट में लिखना है लास्ट
संडे ऑफ जनवरी, ओके। अगर अगले साल लास्ट संडे 29 जनवरी को आया तो भी ये दिन मनाया जाएगा, ओके। जो भी लास्ट संडे आएगा उस दिन को ये दिन मनाएंगे, लास्ट संडे ऑफ जनवरी, जैन 30 ना? हाँ जैन 30, ये साल जैन 30 था, अगले साल 31 होगा, एक दिन आगे होता है। वर्ल्ड लेप्रोसी डे, डेट जनवरी 30, क्या बोला? वर्ल्ड वर्ल्ड लेप्रोसी, ब्रैकेट में तो लिख सकते हो कोड, कोड कोड होता है ना वो, उंगली वंगला सब खराब होने लग जाती है। ओके, अगला टॉपिक इंटरनेशनल न्यूज। इंटरनेशनल न्यूज, नासा सक्सेसफुली कंप्लीट्स डिप्लॉयमेंट, नासा सक्सेसफुली कंप्लीट्स डिप्लॉयमेंट ऑफ जेम्स वेब, नासा सक्सेसफुली कंप्लीट डिप्लॉयमेंट ऑफ जेम्स वेब, वेब में डबल बी है, स्पेस टेलीस्कोप, क्या? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ओके, नासा ने सक्सेसफुली लॉन्च किया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को। सेकेंड न्यूज, दुबई ओपन्स इट्स इंफिनिटी, दुबई ओपन्स इट्स इंफिनिटी ब्रिज। सर आपका आवाज ना ब्रेक हो रहा है। दुबई ओपन्स इट्स इंफिनिटी ब्रिज फॉर ट्रैफिक फॉर द फर्स्ट टाइम, अभी आ रही है बराबर? नहीं ना सर, कट कट के आ रहा है, वो दुबई से कुछ सुना ही नहीं दे रहा है सर, नहीं समझ में आ रहा है, आप लिखो ना सर, पैटर्न आवाज ब्रेक हो रहा है। अच्छा ओके, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया कि एंजाइटी ये वर्ड है बच्चों ने सबसे ज्यादा यूज किया है 2021 में।
हो गया। नया टॉपिक लिखेंगे लोन्स, लोन्स LOANS लोन्स। हो गया ऑनलाइन में लिख के मिटाऊ। इंडिया ने 900 मिलियन तक का लोन दिया श्रीलंका को टू ओवरकम दियर फोरेक्स क्राइसिस। उनके स्टॉक का भाव पूरे दुनिया में गिर गया था। पाकिस्तान ऑलरेडी डूबा हुआ है लोन में, और कितना लेगा? चाइना से ले लिया, अमेरिका से ले लिया, यूएस यूके से भी ले लिया, अभी रशिया से लेने गया था। बता तो आप लोग को स्टोरी इसके बाद। ओके, थोड़ा टाइम बचेगा अपने पास तो यूक्रेन वॉर के बारे में भी हाईलाइट करता हूँ। ओके, ये लास्ट ही टॉपिक है अपना लोन का। ओके, इंडिया ने मॉरिशियस को 190 मिलियन यूएसडी का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब इतना उधार वो अपने से ले सकता है, ये लिमिट है, इसके ऊपर नहीं ले सकता। किसके लिए? मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के लिए। हो गया लास्ट टॉपिक रेजिग्नेशन। किस किस ने नौकरी छोड़ी? हो गया लिख के ऑनलाइन। ओके, वो अब्दुल्ला के बाद लाइट की वजह से दिख नहीं रहा है। अभी दिख रहा है? हाँ। Thank you.
ओके एमडी सीईओ ऑफ सीएसबी बैंक सीवीआर राजेंद्र रिजाइन ऑन हेल्थ ग्राउंड, मतलब बीमार हुए इसके लिए छोड़ा नौकरी, टेन्योर खत्म नहीं हुआ या उनको निकाला नहीं गया, ओके वो बीमार हो गए इसके लिए छोड़ा। ओके यहाँ पे आपका करंट अफेयर खत्म होता है जनवरी का। क्या ग्राउंड ग्राउंड मैदान क्या हुआ? हाँ ये पहला न्यूज है, ये दूसरा न्यूज है। अरे पढ़े तो सही, सुदान प्राइम मिनिस्टर, सुदान एक कंट्री है और ये बैंक की बात हो रही है। एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर पोस्ट और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो बैंक का नाम है सीएसबी बैंक, प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक है सीएसबी बैंक। मैं पता करके बताऊंगा आपको। ओके हो गया। अभी मैंने आपको बोला था मैं यूक्रेन वॉर के बारे में जरा आपको हाईलाइट कराऊंगा क्या चल रहा है, हो जाइए लिख के तो बता देना। ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, बताऊंगा इंडिया का क्या रोल है, पाकिस्तान का क्या रोल था ना, वॉर क्यों हुआ था। ओके हो गया, मिटा दूं इसको मैं, ऑनलाइन वालों मिटा दूं। ओके तो अभी कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। ओके ओके यूक्रेन वर्सेस रशिया और इंडिया का स्टैंड क्या था ये वॉर में, ये सब अपन जानने की कोशिश करेंगे। तो ये सब जानने से पहले ना अपने को थोड़ा पहले जाना पड़ेगा जब अपनी आजादी हुई थी ना। पता है इंडिया एक ऐसा देश है जो कोई भी मिलिट्री ट्रीटी का पार्ट नहीं है, ना नाटो ना कोई और ट्रीटी बड़ी जिसका अपन पार्ट नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहेगा, इंडिया कोई भी ट्रीटी ज्वाइन नहीं करेगा फॉर मिलिट्री पर्पस, ना आप हमको हेल्प करना ना हम आपको हेल्प करेंगे। ओके तो इसके लिए जब यूएन में मीटिंग हुई थी, वोटिंग हुई थी कि कौन वॉर स्टॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो तीन कंट्रीज थी जिन्होंने साइन नहीं किया था, इंडिया चाइना और पाकिस्तान। ओके इंडिया का रीजन ये था क्योंकि उसको न्यूट्रल रहना था ना, उतना उसको यूक्रेन के साइड जाना था ना उसको रशिया के साइड जाना था, क्योंकि दोनों के साथ अपने रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। ओके चाइना क्योंकि रशिया को ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा था फाइनेंशियली और वो चाहता था वॉर हो, और पाकिस्तान, अब पाकिस्तान कहाँ से आ गया इसके अंदर ना। हाँ तो बता तो आपको क्यों आ गया था ना, पाकिस्तान हर किसी से लोन लेता है, तो पाकिस्तान एक्चुअली गया था यूएसए को जलाने के लिए कि मैं रशिया से भी लोन ले सकता हूँ। ओके तो यूएसए हो गया यूक्रेन के साइड, अब पाकिस्तान बेचारा फंस गया, उकले गया वो रशिया के पास ना। हाँ तो अब वो रशिया को भी नहीं बोल सकता कि मेरे को तेरे से लोन नहीं चाहिए, और वो यूएसए के पास भी नहीं जा सकता क्योंकि वो पहले से रशिया के साइड आ गया है। ओके तो इसके लिए पाकिस्तान ने भी वो जो भी मीटिंग हुआ था उसके ऊपर साइन नहीं किया था। तो ये वॉर क्यों हो रहा है, क्या कारण है ये वॉर का? तो रशिया और यूक्रेन है ना बॉर्डर शेयर करते, और वहां पे है ना दो क्या बोल सकते स्टेट्स है जो अभी यूक्रेन के पार्ट है, पहले रशिया के पार्ट थे। ओके लेकिन यहाँ पे है ना रशियन लोग बहुत रहते हैं, तो रशियन का मानना है कि यूक्रेन वाले इनके ऊपर बहुत ज्यादा वॉयलेंस करते हैं। ओके इनको मोलेस्ट करते हैं, यहाँ के जो भी डेलीगेट्स हैं रशिया के उनको हार्म,
नहीं, 75% ऑफ द पॉपुलेशन रशिया है वहां पे, ओके। तो ये है, इसके लिए रशिया ने बोला क्या यूक्रेन को, भाई तू ये दो जगह मेरे को दे दे, मेरे को नहीं दे रहा है तो तू इन दोनों को इंडिपेंडेंट बोल दे, फिर मैं इनको कैप्चर कर लूंगा। लेकिन यूक्रेन को पता है कि अगर यूक्रेन ने ये जगह छोड़ी तो रशिया अंदर घुसेगा और कीवी लेगा, और कीवी है यूक्रेन का कैपिटल और सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन, ओके, गेमिंग ई स्पोर्ट्स का हब बोलते हैं उसको, ओके। जितने बड़े टूर्नामेंट होते हैं यूक्रेन में सब कुछ कीव के अंदर ही होते, ओके। तो रशिया ने पूरी दुनिया को बताया कि मैं तो सिर्फ खुद को डिफेंड करने के लिए मिलिट्री जमा कर रहा हूँ ना, कभी यूक्रेन ने मेरे ऊपर वॉर कर दिया तो, या कोई और मेरे ऊपर वॉर कर दिया तो, ऐसा करके उसने पूरे यूक्रेन को घेर लिया, ओके। और एक रात बोला यार आज 90 ज्यादा हो गई है, आज करूंगा मैं इस पे अटैक, और उसने ये दो स्टेट के अंदर अटैक कर दिया, ओके। और ये स्टेट के अंदर घुस गया, तो यूक्रेन भागा 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 गया यूरोप के पास ना, बोला आता तो मैं यूरोप में हूं। लेकिन एक प्रॉब्लम था कि यूक्रेन ने कभी ट्रीटी साइन नहीं की थी नाटो की, ओके। और जब तक वो नाटो की ट्रीटी साइन नहीं करता है तब तक कोई भी यूरोपियन कंट्री उसकी हेल्प नहीं कर सकती, ना यूएसए उसकी हेल्प कर सकता है, ओके। तो रशिया को पता था कि मेरे को इस बात का एडवांटेज है, तो यूक्रेन जब इसके खिलाफ गया बोला नहीं मैं नहीं जाने दूंगा ये दो जगह, मैं अपने देश को बचाऊंगा ना, तो रशिया ने बोला ऐसा कैसे चलेगा, तो उसने ये दो जगह छोड़ी और पूरा का पूरा यूक्रेन के अंदर अटैक कर दिया, ओके, बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया सीधा। तो ऐसे ये वॉर का रीजन था, इस वजह से ये वॉर हो रहा है, ओके। वॉर अभी थोड़े टाइम में काम हो जाएगा, क्योंकि जो पहली डिमांड थी रशिया की वो यूक्रेन ने मान ली है कि नाटो की ट्रीटी कभी साइन नहीं करना, और अभी दूसरी डिमांड है कि तो ये दो स्टेट को इंडिपेंडेंट घोषित कर दे, मैं वॉर बंद कर दूंगा, सीज फायर कर दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो पीएम मोदी का पावर, 6 घंटे के लिए पूरे वॉर को बंद कर दिया उसने, हाँ, मिशन गंगा हुआ, ओके। यूक्रेन ने नो फ्लाई जोन अनाउंस किया था, लेकिन एयर इंडिया का प्लेन गया और बच्चों को उठा के लेके आया, ओके। तो बोलते हैं पीएम मोदी इज एक्चुअल सुपर पावर जो 6 घंटे के लिए वॉर को बंद करा सकता है, ओके। फायदा बहुत, वॉर हो रहा है, इंडिया को बहुत फायदा हो रहा है, पूरे दुनिया का पैसा बंद हो गया रशिया में। इंडिया ने क्या बोला, मास्टर कार्ड वीजा नहीं चलता ना, मैं तेरे को रुपए दूंगा चलाने के लिए, अपना खुद का है ना डेबिट कार्ड, रुपए का रशिया को ये मिल रहा है। रशिया ने इंडिया को क्या बोला, मैं तेरे को 23% सस्ते भाव में ऑयल दूंगा दुनिया से, ओके। इसके लिए अपनी तरफ पेट्रोल का भाव इतना ज्यादा नहीं बढ़ा, 110 रुपए ही हुए ना, नहीं तो रशिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ऑयल, बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए था भाव, ओके। उनके सारे के सारे, क्योंकि जितना भी आपको किधर भी स्पेस में जाना है ना, तो आपको रशिया के पास से परमिशन चाहिए या रशिया के पास से रॉकेट चाहिए। रशिया ने सारे कंट्री का फ्लैग हटा दिया, सिर्फ इंडिया का फ्लैग लहरा रहा है, ओके। तो वॉर किसका भी हो, फायदा इंडिया का हो रहा है, बट वी से नो टू वॉर, ओके। बहुत हार्म हो सकता ना, न्यूक्लियर पावर है उनके पास, एक बार डाल दिया हिरोशिमा नागासाकी सबको याद आ जाएगा ना, आज भी उनके बच्चे रेडिएशन के वजह से पोलियो की तरफ बॉर्न होते, ओके, क्योंकि उसका 50-100 साल तक इफेक्ट रहता है, इतना पावरफुल रहता है न्यूक्लियर बॉम्ब, ओके। तो इस तरह से है यूक्रेन का पूरा, आप लोगों को मैंने हॉट टॉपिक के बारे में बता दिया। और एक और न्यूज, इंडिया ने अभी गलती से पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल छोड़ दिया था, ओके, हाँ, ब्रह्मोस था, इंडिया का वन ऑफ द पावरफुल मिसाइल, ओके, टेक्निकल ग्लिच के वजह से हो गया था वो, इसके लिए चला गया, ओके। आप लोगों को कुछ पूछना है एग्जाम से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस है बताइए, मैं आज हूं तो बता दूंगा आप लोगों को। नहीं, ओके, तो मैथ्स, आप लोग बोल रहे थे मैथ्स बड़ा हार्ड पड़ता है कैसे करना, तो मैं आपको एक बात चीज 3-4 चीजें बता दो, वो करोगे तो मैथ्स आसानी से प्री क्लियर कर दो, क्योंकि सबसे इजी पेपर होता है ईएसआईसी का। तो आपको करना है सीरीज, आपको करना है सिंप्लीफिकेशन, आपको करना है डीआई, आपको करना है
अरिथमेटिक मीन. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज ना. परसेंटेज करोगे तो डीआई कर सकते हो, मिसेलेनियस के सम्स भी कर सकते हो. ओके, एवरेज हो जाएगा, रेशियो प्रोपोर्शन हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, डिस्काउंट एंड कमीशन भी हो जाएगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज. ओके, इस तरीके से मैथ्स करोगे तो आराम से कर सकते हो. सबसे इजी पेपर होता है एसएससी का. ओके, यूडीसी, यूडीसी का पेपर होता है क्लर्क लेवल का, क्लर्क से भी थोड़ा नीचे, मतलब मॉडरेट भी नहीं बोल सकते उसको, इजी लेवल बोला जाता है. और एमटीएस तो उससे भी इजी होता है थोड़ा. ओके, इंग्लिश, इंग्लिश में करने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देना टेंसेस पे. ओके, टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्लोज टेस्ट, कॉमन एरर्स, idioms, पैरा जंबल, ये आपको हेल्प करेगा इंग्लिश में बहुत. ओके, इसके बाद रीजनिंग का बता नहीं सकता, लेकिन बोलूंगा पजल्स पे ध्यान देना. ओके, मेरा सब्जेक्ट, सबका फेवरेट सब्जेक्ट जीए. क्या करोगे, भगवान भी नहीं बता सकता क्या आएगा ना. हंच, हंच है मेरा. हंच मतलब क्या बोल सकते, 90% मेरे को लगता है क्वेश्चन ऐसे आएगा. दिसंबर, जनवरी, फेब, करंट अफेयर. एग्जाम से पहले मार्च का देख लेना, 19 दिन का. ओके, यहाँ पे करते हैं अपन गुड बाय. थैंक यू, आई होप आप लोग को अच्छा लगे, समझ में आया हो. कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो अभी भी. क्या ये करंट अफेयर करना है इसका? हाँ, 3 महीने का पूरा अच्छे से करंट अफेयर करके जाना है, अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे. ओके, हो गया. किसको कुछ पूछना है ऑनलाइन, किसको कुछ पूछना है, कुछ डाउट? ओके, लीव मीटिंग ना.